हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और नेवर एंडिंग प्रोग्राम की बात करेंगे सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन बना लेता हूँ और मेन फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल हमें बनाना होगा। ठीक है, वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर ए नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। तो इंट टाइप का ए नाम का वेरिएबल हमने बना लिया, टर्मिनेट किया और एंटर प्रेस करके नीचे आया। यहीं पर लूप हम लगाएंगे, तो यहाँ पे हम फॉर लूप लगा लेते हैं और यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, लिखता हूँ फॉर ए इज इक्वल टू जीरो। यानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और जीरो से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ ए इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर 10 कर देता हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल टू 10 कर दिया और यहाँ पर दे देता हूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, ये हमने दे दिया। इस देखिए ये लूप चलेगा, पहले ए में जीरो है, ठीक है, और ए 10 के बराबर है ये भी कहा गया है। और फिर यहां पर देख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब कि ए में जीरो स्टोर है, फिर ये जब इंक्रीमेंट होगा आगे बढ़ेगा तो फिर ए प्लस 1 हो जाएगा, ए प्लस 2 हो जाएगा, मतलब कि ए में एक एक जोड़ता चला जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से चलेगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद यहां पर हमें यहाँ पर ये चाहे तो यहाँ हम पुटेस यूज कर लेते हैं। ठीक है, पुटेस का अपना अलग फायदा है, तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ पुटेस। तो ये लिखा मैंने पुटेस, और पुटेस लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दे देते हैं, जैसे मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, तो मैं यही लिख देता हूँ कंप्यूटर एंड एक्सेल, ये लिख दिया मैंने। अब इतना लिखने के बाद यहां से इसको टर्मिनेट कर दीजिए, ये टर्मिनेट कर दिया और टर्मिनेट करने के बाद बस काम हो गया है आपका, आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर जाना है डायरेक्टली बिल्ड पर, तो ये सेव करने के लिए बोलेगा ही जब कंपाइल करवाएंगे तो यहां से सेव कर लेता हूं किसी भी एक नाम से, और डॉट सी लगाना जरूरी है, बस ये ध्यान रखना है। बस आपका प्रोग्राम अगर सही है तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा, होने के बाद यहां से आप इसे रन भी करवा सकते हैं। तो जब रन करवाएंगे तो ये देखिए ये नेवर एंडिंग प्रोग्राम हो गया है, अब ये चलता ही जा रहा है, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, इसे कहते हैं नेवर एंडिंग प्रोग्राम। तो एक्चुअल में हुआ क्या इसमें, देखिए सबसे पहले तो ए में जीरो रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर ये बीच वाला जो है ना ए इज इक्वल टू 10, तो इसमें कंडीशन दी जाती है। तो अब ए इज इक्वल टू 10 से क्या मतलब है, ए 10 के बराबर है, यहां पर ए जीरो के बराबर आप कह रहे हैं, ठीक है, यानी इनिशियलाइजेशन ए में जीरो है। ठीक है, अब यहां पे कह रहे हैं ए इज इक्वल टू 10, और मान लीजिए 10 भी हो जाता है तो इसके बाद कह रहे हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो जब भी 10 होगा तो फिर ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 10 होगा तो 10, यानी ए में क्या है 10 स्टोर है, तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये लूप वापस से एक्सिक्यूट होगा तो फिर वही चीज, फिर यहां पर 10 के बाद क्या हो जाएगा 11 हो गया, 11 के बाद क्या होगा 1 प्लस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसी तरह से चलता जाएगा, क्योंकि काउंटिंग तो एंडलेस है, तो जहां तक ये काउंट करता जाए, अब एंडलेस है तो ये नेवर एंडिंग प्रोग्राम हो जाएगा, मींस कि इनफाइनाइट तक ये चलेगा, तो इसी वजह से इसे नेवर एंडिंग प्रोग्राम बोला जाता है।